Assalamu alaikum. I welcome you all to Javed Publishers. We are studying Kids Science Grade 5 Chapter Number 4 and the topic is Environmental Pollution. Dekhte hain water pollution. When the sewage, insecticides, fertilizers and industrial waste mix with the water body then make the water dirty and harmful or poisonous, it is called water pollution. Kya hoga? Insecticides hum use kar rahe hain, fertilizers use kar rahe hain, industries jo hain, jab wo apna waste jo hai paani mein baha deti hain, to us paani ko wo ek to ganda kar rahi hain aur harmful chemicals honge, to wo peene ke kabil nahi rahega. पॉइजनस हो रहा है, डिफरेंट ऐसे हैज़र्डस केमिकल्स जो हैं वो जब पानी में जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या कर रही हैं, वाटर पोल्यूशन कॉज कर रही हैं. इसकी कॉजेज क्या क्या हैं? वाटर गेट्स पोल्यूटेड ड्यू टू एडिशन ऑफ डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट इन टू द वाटर बॉडीज. जब हम ये सारा वेस्ट जो है पानी में बहा देते हैं, हम अपनी जगह को तो क्लीन कर लेते हैं लेकिन आगे फर्दर हम वाटर पोल्यूशन का कॉज बन जाते हैं. स्पिलिंग ऑफ ऑयल्स इन टू द सी, जैसे इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ऑल एंड ऑल दीज आर मूविंग टूवर्ड्स द वाटर पोल्यूशन. दे प्ले अ बिग रोल इन द वाटर पोल्यूशन. सो वट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्ले आर ओन रोल, जिससे हम क्या है वाटर पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन को कम से कम कर सके. इससे क्या होगा, हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को डेंजर की तरफ जाने से पहले बचा सकते हैं. उसमें आप अपना रोल प्ले करें. आप देखेंगे कि किस तरह से जो है नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो आपका रोल प्ले करने से उसमें बहुत सी चेंजेस आनी शुरू हो जाएंगी. तो आगे अब देखेंगे कि इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, वाटर पोल्यूशन से कौन सी चीज़ इफ़ेक्ट हो रही है. वाटर पोल्यूशन बैडली इफेक्ट्स मेरीन लाइफ, डेफिनेटली. अब वो जो पानी जो पॉइजनस हो गया, जो हार्मफुल हो गया, उस पर बहुत से एनिमल्स, बहुत से ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट भी तो है, तो वो डिस्टर्ब होगा, उनकी डेथ होती जाएगी या और बहुत से डिजीजेज वहाँ पर कॉज होंगी. पोल्यूटेड वाटर मे कंटेन जर्म्स, ड्रिंकिंग सच वाटर कॉजेज डिजीजेज सच एज टाइफाइड, जॉन्डस एंड डिजेंट्री. और अगर वही पानी हम कंज्यूम करेंगे उससे बहुत सी डिजीज़ कॉज हो जाएंगी, टाइफाइड, जॉन्डस, वाटर बॉर्न डिजीज़ बहुत ज़्यादा हैं और ये सारी क्या है, कंटामिनेटेड वाटर के पीने से ही कॉज होती हैं. आगे पढ़ते हैं लैंड पोल्यूशन. व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्स विद द सॉयल इट इज़ कॉल्ड लैंड पोल्यूशन. कॉजेज़ क्या क्या हैं? लैंड gets polluted due to addition of water such as plastic bags, bottles, cans, metal containers. Such waste do not get destroyed easily and stay in the soil for long time. Page number 33 पे ये garbage causes land pollution. में आप देखेंगे कि कितना गंद हम लोग cause करते हैं. Plastic bags फेंक रहे हैं, आपने कोई drink पी है उसका can आप फेंक रहे हैं, कोई metal container है वो आप फेंक रहे हैं. उससे क्या है कि हम अपनी ही land को इतना ख़राब कर रहे हैं, हम अपनी ही land को इतना dirty कर रहे हैं. So please Be careful about these things. आप अपनी जगह को, अपने लैंड को साफ़ सुथरा रखें. गार्बेज को गार्बेज कैंस में फेंकें. ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो मिलके एक बहुत बड़ा सिनेरियो क्रिएट कर सकती हैं, हमें क्या कर सकती हैं, हमें लैंड पोल्यूशन से, वाटर पोल्यूशन से, एयर पोल्यूशन से बचा सकती हैं. इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स एडेड बाई फार्मर्स इंसेक्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वो भी क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सॉइल को डिस्टर्ब कर रही है. केमिकल्स डिस्पोज्ड ऑफ फ्रॉम फैक्ट्रीज, एडिशन ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस ऑफ द फैक्ट्रीज. लैंड पोल्यूशन अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. डेफिनेटली सॉइल ख़राब है तो वहाँ पर प्लांट कैसे ग्रो करेगा, वहाँ पर प्लांट कैसे नरिशमेंट लेगा, कैसे डेवलपमेंट करेगा, कैसे अपना फूड प्रिपेयर करेगा. इट कैन डिस्ट्रॉय हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स. इफेक्ट्स देखते हैं जी. डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड बिकम डिपॉजिटेड इन द सॉइल. वो क्या है कि वो सॉइल में जाएंगे जब हम यूज़ कर रहे हैं, दे रिड्यूस इट्स फर्टिलिटी. उस सॉइल की फर्टिलिटी जो है, जरखेज़ ज़मीन जो है वो उसकी जरखेज़ी को कम करेगी. प्लांट्स कैन नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड सॉइल. जो भी सॉइल पोल्यूट होगी वहाँ पे प्लांट्स नहीं ग्रो करेंगे. प्लांट्स नहीं ग्रो करेंगे तो हम कहाँ से अपना फूड लेंगे, और अगर हम अपना फूड नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा, उससे लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होगी. लैंड पोल्यूशन ऑल्सो कॉजेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज. पॉलीथीन बैग्स थ्रोन हेयर एंड देयर कैन ब्लॉक द माउथ्स ऑफ सीवरेज पाइप. समटाइम्स द एनिमल्स ईट दिस बैग्स एंड डाई. क्या होता है, पॉलीथीन बैग यूज़ करते हैं, अब कभी यहाँ फेंक रहे हैं, कभी वहाँ फेंक रहे हैं, आप देख नहीं रहे कि ये इससे क्या है कि हमारी लैंड जो है वो गंदी हो रही है. उससे कभी कभार क्या होता है, वो सीवरेज पाइप जहाँ से पानी जा रहा है वहाँ पे फंस जाते हैं, वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगी. और अगर वो पॉलीथीन बैग कोई एनिमल कंज्यूम कर जाएगा तो क्या होगा, डेफिनेटली दैट एनिमल लीड्स टू डेथ. तो फिर ये सारी चीज़ें जो है वो पोल्यूशन कॉज कर रही हैं. सो वट वी हैव टू डू, प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स and play your role in controlling the water pollution, air pollution or land pollution. Keep watching. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ.